संविधान के 74वें संशोधन के बाद में देश को स्थानीय शासन को मजबूत बनाया गया है और नगर पालिका को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य व स्वच्छता मुख्य है। हमारे करौली में नगर पालिका के अभाव व नगर पालिका की क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होने की वजह से मेरे समुदाय के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आइए मिलते हैं मेरे समुदाय के लोगों से। क्या कारण है कि नालियों में से लैट्रिन बह रही है? पहले जो कुएं खोदे हुए थे ना, उनका मतलब है ज्यादातर लोगों ने सफाई करने में पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए लोगों ने बंद कर दिए। 90% और यहाँ लेबर नहीं मिल पाती, टाइम से मतलब साफ नहीं होती, इसलिए लोगों ने बहाना शुरू कर दिया। मतलब इसके लिए क्या कानून बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट का कानून तो यह है कि सिर्फ मेला नहीं रहेंगे, मतलब लोगों को ऐसी लेटरों को मतलब बंद करा दिया जाए, नगर पालिका का या चालान कर दिया जाए। दो नियम से अब तक क्या कार्रवाई की है ऐसी लेटरिंग? मतलब ऐसी लेटरों के 200 चालान कर दिए हमने, मतलब 200। इससे स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो पानी भी दूषित होता है, गंदगी से स्मेल भी गंदी आती है, तो उससे भी मतलब स्वास्थ्य पे काफी प्रभाव पड़ता है इसका। सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी पैदा होती है इससे? घातक बीमारियां हो जाती है, मतलब लीवर संबंधी, पेट संबंधी बीमारी ज्यादा होती है। पानी भी दूषित होता है, लोगों को इन्फ्लुएंजा वगैरह, पेट की बीमारियां, जैसे पेट में कीड़े पड़ जाना, ऐसी कई चीज तरह की बीमारियां, मतलब जिससे भी जो लैट्रिन बह रही है नालियों में से, उसके ऊपर क्या कुछ और भी नियम हो सकते हैं कि किस तरह के? उसके लिए सीवरेज सिस्टम यहाँ लागू होना चाहिए, मतलब ये अपने शहरी क्षेत्र में जो है, और जैसे जहाँ जहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, घरी आबादी है, वहाँ मतलब उन्हें सीवरेज सिस्टम हो, मतलब उसको सीवरेज से ही मतलब निकाला जाए, ये है उसका निदान। और वैसे सरकार ने 1993 में कानून लागू किया है कि सिर पर मलबा ढोने की प्रथा पर रोक लगा दी है, लेकिन हमारे करौली में इस कानून को लागू होने से पहले ही लोगों ने अपना इंतजाम कर लिया और लैट्रिन नालियों के जरिए बहाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे शहर में गंदगी फैलती है, वे लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह के टाइम तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि शहर में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस सब के पीछे नगर पालिका दोषी है, नगर पालिका की कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे नालियों को ढका जाए, वहाँ पर सीवरेज लाइन डलनी चाहिए, नगर पालिका को चालान भी काटने चाहिए। जो लोगों ने लैट्रिनों में नाली बहाई हुई है, वो अपनी लैट्रिनों में नाली बहाना बंद कर दें। जैसे अपन की लैट्रिन बनी होती ना, उसका पहले पिट होता था छोटा सा, सब पिट के बाद पट्टियाँ लगी रहती, अदब बना रहता था या किवाड़ लगा रहता था, कच्ची चीज लैट्रिन होती थी। अब उस पर मतलब उसका बंदोबस्त उतना नहीं करते लोग, मतलब इसका यह कि शिथिलता कानून में तो नहीं है, कानून में शिथिलता उल्टी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर पालिका उसको नहीं। नालियों में लैट्रिन निकालना कहीं पे भी प्रावधान नहीं है, पर हमारे करौली शहर में लैट्रिन नालियों के जरिए ही बह रही है। मैं करौली नगर पालिका से अपील करती हूँ कि हमारे करौली की नालियों को ढकवाया जाए, वहाँ पर सीवरेज लाइन डलनी चाहिए, जिससे करौली वासियों का जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उस स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड।